नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। खांडसारी उद्योग में सरकार करेगी 900 करोड़ रुपए का निवेश, 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सुअर पालन में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बना मुसीबत, अब तक लाखों सुअरों की हो चुकी है मौत। यूपी, हरियाणा और पंजाब में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकारों की कोशिशें हुई नाकाम। उत्तर प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसानों को गन्ना बेचने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खांडसारी क्षेत्र पर 900 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। इससे किसानों को अपनी गन्ने की उपज बेचने में तो आसानी होगी ही, साथ ही प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से करीब 40,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खांडसारी इकाई लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सभी जाँच आदि करके 100 घंटे के अंदर ही ऑनलाइन लाइसेंस भी मिल जाएगा। इस योजना में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऑनलाइन आवेदन कर वो भी लाइसेंस प्राप्त कर रही हैं। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार नई खांडसारी नीति में चीनी मिल से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर कहीं भी खांडसारी इकाई लगाई जा सकती है। पहले यह दूरी 15 किलोमीटर थी। लाइसेंस देने की प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान कर दी गई है, इसी वजह से 183 से ज्यादा लाइसेंस जारी हुए हैं। असम में ASF यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से सुअरों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस फीवर की वजह से फरवरी में ही लगभग 3,000 सुअरों की मौत हो चुकी थी। नॉर्थ ईस्ट प्रोग्रेसिव पिग फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस पर ASF से सुअरों की 100% मौत हो रही है और सितंबर माह तक लगभग 1,00,000 सुअरों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ वक्त पहले 12,000 बीमार सुअरों के लिए कलिंग यानी कि सुअरों को मारने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन पिग फार्मर एसोसिएशन का कहना है कि हम कलिंग के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको बता दें कि ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे संक्रमित सुअरों की मृत्यु दर जो है वो 100% है। असम सरकार की ओर से फरवरी मार्च से ये दावा भी किया गया था कि नोवल कोरोना वायरस की तरह ASF भी चीन से ही आया है। इसके कारण चीन में 2018 से 2020 के बीच में करीब 60% सुअरों की मौत भी हो गई थी। सरकार या कोर्ट कितनी भी सख्ती बरत ले, लेकिन फिर भी पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बहुत से किसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा रहे हैं, वो ना खुद पराली के फेवर में हैं और ना ही अन्य किसानों को जलाने दे रहे हैं, लेकिन कुछ किसान हजारों हिदायतों और कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रोज ऐसी घटनाएं पकड़ी जा रही हैं और जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। हेड़ी और शीर्षगढ़ थाना क्षेत्र में किसानों ने धान की कटाई करके पराली को खेतों में ही जला दिया। पराली जलने से निकलने वाले धुएं से बढ़ते प्रदूषण को देख किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया और पुलिस तक पहुंचा दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और FIR दर्ज कर ली गई और जुर्माना भी लगाया गया। इस मौके पर SDM और तहसीलदार ने क्षेत्र के एक दर्जन गाँव के किसानों को जागरूक भी किया। गणेशपुरा गांव में SDM सदर ने धान काटने वाली मशीनों को लेकर जा रहे किसानों को रोककर समझाया भी कि कोई भी मशीन वाला 4 इंच से बड़ा डंठा नहीं छोड़ेगा। मशीन वाले सुपर MS का इस्तेमाल करेंगे। सुपर MS का काम है कि वो धान को अलग अलग करके उसके जो पुआल हैं उनको छोटे छोटे भूसे की तरह बना देता है। साथ ही उन्होंने सभी किसानों को पराली न जलाने के लिए भी समझाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ किसानों का कहना है कि पराली जलाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में पराली जलाते हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।